गोपाला गोपाला रे
यारो नंद लाला किनारे धे निचराय माधव मदन मुरारी ये माधव मदन मुरारी जमन के धे निचराये माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी जमन किनारे धे निचराय माधव मदन मुरारी प्यारे माधव मदन मधुर मुरलिया जबी बजावे मधुर मुरलिया हरले शुद्ध बुद्ध सारी श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा गोपाला गोपाला रे प्यारो नंद
रामनगर की विधि को जेती है बाकी इंद्री जीत वाको सुने गति पलटे बाकी कहा भिखारी दास समझे डिग से रखी धर के आए मुरलीधर जो पाई धनी को पर कुल बपू बिश्राए आए नहीं सीख निज घर फिर संग मूल आप न पाए कई भिखारी दास से डिग देखी हकत निग हम आए रामनगर की विधि को प्रणाम सुंदर साहब जी प्रणाम परम आदरणीय सद्धर्म प्राण सुंदर साहब जी माताएं बहने भक्त समुदाय हमारे आदरणीय पुजारी जी हमारी साध्वी सिप्रा कौशल जी और हमारे दूर दराज से आए हुए संपूर्ण सुंदर साहब जी आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना आप सबके जीवन में हर प्रकार से अपने भाई की ओर से सुरक्षा मिले और कहा जाता है गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। अगर किसी के भाई नहीं है तो राजी महाराज को राखी पहना दो गुरु महाराज को राखी पहना दो वो सबसे बढ़िया है उससे ऊपर कोई राखी का बंधन नहीं होता है। राखी का मतलब होता है इसका नाम राखी शब्द नहीं है इसका नाम है रक्षाबंधन इसका नाम है रक्षाबंधन। राखी तो हमने ऐसे बोलना शुरू कर दिया इसका नाम है रक्षा कवच रक्षाबंधन। अगर ये रक्षाबंधन की डोरी बांध दी जाए तो हमारी हर प्रकार से माताओं की बहनों की बेटियों की बच्चियों की सब की सुरक्षा हो जाती है। देखिए कितना पावन पर्व है और हमारा हिंदुस्तान हमारा भारतवर्ष हमारी भारतीय संस्कृति अनेकों पर्वों से सुसज्जित हमारा देश है। कभी होली का पर्व आता है तो कभी दिवाली का पर्व आ रहा है कभी रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है कभी भैया दूज का पर्व आ रहा है इतने अच्छे अच्छे पर्व आते हैं प्रांतीय पर्व भी हैं राष्ट्रीय पर्व भी हैं। पंजाब में 10 गुरुओं के जन्म का पर्व है 10 गुरुओं के ज्योति में ज्योत मिल जाने का पर्व है इतने सारे पर्व है और सर्दी के दिनों में एक पर्व आता है छठ पर्व छठी मैया की पूजा होती है बड़ी सुंदर बड़ा सुंदर पावन पर्व है साधना वाला पर्व है। वो पानी में डूब करके सूर्य भगवान की आराधना करते हैं भूखे रह करके उनको भोग लगा करके फिर दोबारा भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं मेवा मिष्ठान्न पकवान गन्ना इत्यादि फल इत्यादि छठी मैया को अर्पण करते हैं छठी पर्व आता है। महाराष्ट्र में कितने सारे पर्व हैं पूरे भारत में पर्वों का ये देश है पर्व ही पर्व होते हैं। और पंजाब में आके देखें तो देखो कितना सुंदर लोहड़ी का पर्व आता है जनवरी से लोहड़ी का पर्व प्रारंभ होता है लोहड़ी के पर्व के बाद होलिका दहन का पर्व भी आता है और सबसे बढ़िया बैसाखी का पर्व आता है बैसाखी का पर्व भी आता है बड़ा पावन है बैसाखी का पर्व। इन सारे पर्वों में हम सब सनातनी भाई बहन बंधु मित्र घुल मिल करके हम आनंद लेते हैं ये पर्वों का देश है। इसलिए होली के पर्व में होली का आनंद आता है
दिवाली के पर्व में दिवाली का आनंद आता है, तो रक्षाबंधन के पर्व में रक्षाबंधन का पर्व आता है। इसमें कहा जाता है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन तम प्रतिबध्नाति रक्षेमाचल माचलः। यह मंत्र हम लोगों को बोलना पड़ता है आप लोगों को धागा बांधते समय। समझ में आ गई ना बात? ये न बद्धो बलि राजा, जिस बंधन से बलि राजा को बांधा गया था भगवान वामन देव के द्वारा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, और दानव का जो इंद्र यानी बलि राजा को वामन भगवान ने जो बंधन बांधा अटूट बंधन, तेना तुम प्रतिबध्नाति, वही बंधन आप लोगों को बांधा जा रहा है। रक्षे माचल माचल, आप लोग रक्षा कवच पहन करके अचल हो जाओ, अचल हो जाओ, अचल हो जाओ, ऐसा ब्राह्मण देवता लोग बोल करके सब को धागा बांधते हैं, रक्षा कवच बांधते हैं, और माताएं बहनें बेटियां अपने भाई को राखी बांधते हैं, है ना। बड़ा सुंदर ये पर्व है, इतने पर्वों से भरे हुए हम देश में रहते हैं। जीना अपने देश में, मरना अपने देश में चाहिए। हमारी भारत की मिट्टी की खुशबू बड़ी महकदार है, बड़ी खुशबू देने वाली हमारी भारत की मिट्टी है। भारत की मिट्टी में तो सब कुछ उगता है। विदेशों में आप जाएंगे, यूरोप जैसे देशों में, क्या है यूरोप में, दो होता है, समर और विंटर। समर का मतलब गर्मी का महीना, विंटर का मतलब सर्दी का महीना। हमारे भारत में सारे ही मौसम हैं, छह प्रकार के मौसम होते हैं, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, सब ऋतु हैं। इस समय कौन सा ऋतु चल रहा है हमारे देश में? इस समय वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु के बाद आने वाला कौन सा ऋतु होता है? आज क्या ऋतु है? शरद ऋतु के बाद शिशिर ऋतु है ना, ठंडी, ठंड आने वाली ऋतु है ना। बड़ा मजा आता है ठंड में, है रजाई ओढ़ के मजे से सो जाओ, कंबल ओढ़ के सो जाओ, शराब पीने वाले शराब पी के सो जाओ, ना पीने वाले चाय पी के सो जाओ, गरम गरम दूध हल्दी वाला पी के सो जाओ, इतना आनंद आता है ना। ये बड़ा आनंद का पर्व है। सर्दी का अपना आनंद है, गर्मी का अपना आनंद है, ये परमात्मा ने बनाया है धरती को। देखो कितनी, कितना सुंदर है। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए, कभी कभी मैं सोचता हूं, हे परमात्मा, अगर अगला 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 जन्म देना हो तो मुझे मेरे देश भारत में ही देना, और कहीं नहीं देना। कभी भी कोई भी जन्म देना हो तो मुझे अपने देश भारत में ही देना। भारत की धरती, भगवान के 24 अवतारों की धरती, पर्वों की धरती, जितना भी जन्म देना हो मुझे अपने देश में देना, भारत भूमि में देना, और किसी देश में मुझे जन्म नहीं देना। अन्य देशों में जन्म लेने का मुझे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अपने देश में जन्म लेना चाहिए। अपने देश की मिट्टी की खुशबू की महक से बड़ा ही आनंद आता है। मदमस्त मिट्टी की महक है हमारे देश में। देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज धर्म प्रचार करते करते इस समय कहां है? रामनगर। रामनगर में आपने कल सुना भिखारी दास जी गए, प्राणनाथ जी के ही हो गए। बाद में दूसरा कौन गया? शेख खिदर गया। शेख खिदर भी प्राणनाथ जी का होकर के रह गया। मैं कभी सोचता हूं कि प्राणनाथ जी में ऐसा क्या आकर्षण रहा होगा, जो भी उनके पास जाए उन्हीं का हो जाता था। एक भजन गाते थे हम लोग बहुत साल पहले, मैं उनका ही बन जाता जो भजता मुझको भाव से, मैं उनका ही बन जाता जो भजता मुझको भाव, जो भजता मुझको भाव से, जो भजता मुझको भाव से, भजता मुझको भाव से, हो उनका ही बन जाता जो भजते मुझको भाव।
कहते हैं मैं उनका ही हो जाता हूं जो मेरे को भावना से भजता है, श्रद्धा से भजता है, हम उन्हीं के बन जाते हैं। तो हमें उनका भजन करना है, उनके साथ जुड़ना है, कितना आसान काम है, बाकी जिम्मेदारी उनकी। अब शेख इधर भी प्राणा जी के बन गए, ऐसा प्राणा जी का आकर्षण, और श्री प्राणा जी से विदा लेकर के शेख इधर गए, जो आपको समाचार देना है दे देना, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद महामति श्री प्राणा जी शेख इधर को विदा करके अब वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़े श्री प्राणा जी तो कहां पहुंच गए, गढ़ा की ओर पहुंच गए। गढ़ा जगह का नाम है गढ़ा। अब यहां गढ़ा नाम करके जगह में जैसे श्री प्राणा जी पहुंच गए, तो जो शेख खिदर से भी बड़ा नेता था ना, क्या है उसका नाम, सेनापति का नाम पुरदल खान। पुरदल खान का एक मित्र गढ़े के पास रहता था, जो मुसलमान था, अपनी दल बल लेकर के प्राणा जी को पकड़ने के लिए आ गया। देखिए ये शैतान लोग कहां कहां से निकल आते हैं, ये शैतान लोगों की टीम फिर आ गई। उसने सोचा पुरदल खान ने इन्हीं महात्मा को पकड़ने के लिए भेजा है, तो मैं पुरदल खान का मित्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है इनको पकड़ करके औरंगजेब के हवाले कर दूं। इस बात का पता चला और वहां पे 500 सुंदर साथ थे, 500 सुंदर साथ के साथ उस शैतान की सेनाओं के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इस बात का पता चला देवकरण जी को, देवकरण जी अपनी दलबल लेकर के आ गए, और दलबल लेकर के आकर के उन सारे मुल्लों को काट कूट करके गाजर मूली की तरह वहीं खत्म कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और देवकरण जी ने अपनी शक्ति दिखाई, उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय हूं, राजपूत हूं, और मेरे आगे मेरे गुरु महाराज को परेशान कौन कर सकता है, या तो उसका गर्दन उड़ा दूंगा या मैं खुद ही मर जाऊंगा। और देवकरण जी ने अपनी सेना के साथ आकर के सुंदर साथ का सहयोग लेकर के उनको खत्म कर दिया, और वहां से भागता हुआ तैयार हो गया। काफी लोग वहां से मर मुर गए। और इतना सब होने के बाद अब श्री प्राणा जी कहते हैं हे देवकरण जी, आप जब इतने सुरवीर हो तो आपके कक्का जी कितने सुरवीर होंगे, है ना, आपके काका कितने सुरवीर होंगे। आप इतना बड़ा बड़ा युद्ध इतनी आसानी से लड़ लेते हो, आप तो भतीजे हो, फिर आपके चाचा कितने सुरवीर होंगे। तो प्राणा जी ने पूछा हे देवकरण जी एक बात मेरे को बताओ, आप चाचा को छोड़ करके यहां क्यों आ गए थे, आप गढ़ा में आकर क्यों रहने लग गए। उन्हें कहा पूछी देवकरण सुनो श्री जी, तुम तजी देश यहां क्यों आए, कही रिसान एक बात पर तब ते आनी यहां की छाए। मेरी एक कुछ बातचीत हो गई ऐसे मेरे चाचा के साथ यानी छत्रसाल जी के साथ, कुछ ऐसी ही हो गई खटपट, तो ऐसा होने से उनसे नाराज होकर के मैं यहां गढ़ा आकर के रहने लग गया, यही छोटा सा राज्य मैंने बनाया और मैं यहीं रह रहा हूं। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा छत्रसाल जी से नाराज होकर के आप यहां आने का मतलब है मेरे से मिलना, ये आपको परमात्मा ने मेरे पास भेजा है, आप जाओ जाकर के अपने चाचा जी को कह दो कि गुरु महाराज आपके पास मिलने आ रहे हैं, ये समाचार दे दो। अब इधर से लाललास सिंह और कुछ सुंदर साथ को यहां से भेजा, लाललास सिंह और कुछ सुंदर साथ को भेजा, जाओ रामनगर से, प्राणा जी ने भेजा रामनगर से ही भेजा, आप लोग जाओ लाललास सिंह निर्मल दास जी आप जाओ जाकर के छत्रसाल जी को कुछ ज्ञान की बातें बताओ और मेरे आने का संदेश दे दो। लाललास जी निर्मल दास जी सब गए, और यहां पर एक मुरलीधर नाम करके सुंदर साथ की जागनी हुई। मुरलीधर ये भी राजपूत में से ही हैं, मुरलीधर कान से कम सुनते थे, मुरलीधर जी की जागनी हुई, तब से लेकर के पन्ना जी में मुरलीधर जी प्राणा जी
चर्चा सुना के पास में बैठ करके कान ऐसे करके ध्यान से सुनते थे। गुरु महाराज बोलते हैं तो एक शब्द भी चूकना तो नहीं चाहिए, एक शब्द भी चूके बगैर सारे शब्द मेरे कान में पड़ने चाहिए। गुरु महाराज की वाणी सुनने के लिए तो ये मेरे कान बने हैं, ऐसा सोचते थे बड़े गुरु महाराज के भगत, श्री प्राणनाथ जी के सच्चे भगत। और यहां से लालदास जी, निर्मल दास जी सब गए, जाकर के छत्रसाल जी से मिले और उनसे मिलकर के बातचीत होने लगी। बातचीत होने लगी, उनको कहा हे महाराजा छत्रसाल जी। तो छत्रसाल जी ने कहा मैं अभी राजा महाराजा नहीं हूं, मात्र अभी मैं राजा हूं। अरे हमने बोल दिया आपको महाराजा तो आप महाराजा बन ही जाएंगे, देख लीजिएगा, गुरु महाराज से मिलने दीजिए आप महाराजा बन जाएंगे। राजा का मतलब होता है एक देश का राजा, और जिस राजा के अंडर में 10-12 देश जिसके अंडर में आ जाए वो महाराजा बन जाता है, उसको महाराजा बोलते हैं। हाँ, एक राजा होता है, उससे बड़ा महाराजा होता है, उसके बाद महाराजा अधिराज होता है, महाराजा अधिराज उनसे भी बड़ा पद होता है ना। और उसके बाद जो राजा होता है फिर उसको चक्रवर्ती कहा जाता है, चक्रवर्ती है ना, बहुत बड़े क्षेत्र में शासन करने वाले को चक्रवर्ती कहा जाता है। तो कहने का मतलब है महाराजा उनको कहा गया और उन्होंने कहा भी महाराजा मैं बना नहीं हूं। नहीं नहीं क्यों नहीं, आप महाराजा बन गए हैं, गुरु महाराज की कृपा जब होगी तो आप जरूर महाराजा बनेंगे। अब इधर 1739 संवत अघन मास परम सुधि छायो, राम नगर ते दशमी को चली 14 डेरा गड़ा सुहायो। श्री प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1739 को अगहन सुदी दशमी को रामनगर से चल करके 14 को गढ़े में पहुंच गए। तो गढ़े में पहुंचने के बाद अब श्री प्राणनाथ जी वहां से आगे अब सीधा पन्ना अमराई घाट, फिर वहां से मऊ जाना है प्राणनाथ जी को, फिर मऊ पहुंचना है, वहां छत्रजाल जी से मिलना है। अब श्री प्राणनाथ जी वहां से सब सुंदर सात को साथ में लेकर के बैरागी नदी दौरी राम नगर वह पहुंचो, पांच वहां रोकन पठवाए, आई गड़ा के शिवड़े रोके, मारन सात सकल उठिधाए। अब रामनगर से गढ़ा पहुंचते समय भी थोड़ा सा यहाँ पे संकट आया जो राजीव महाराज की कृपा से टल गया। और उसके बाद श्री प्राणनाथ जी कहां पहुंच गए, अब श्री प्राणनाथ जी वहां से चल करके पन्ना की ओर जाने की तैयारी करने लगे तो रात्रि के समय देवकरण जी सोए हुए थे गहरी नींद में, पूरी गहरी नींद में देवकरण जी सोए थे। रात्रि के समय देवकरण जी एक स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न मैं आपको यहां सुना देता हूं। स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में देवकरण जी क्या देखते हैं, स्वप्न में देवकरण जी का नाम हो गया है कर्ण कुंवरी, स्वप्न में उनका नाम बदल गया है, वो क्या बन गए कर्ण कुंवरी ऐसे बन गए नाम। और स्वप्न में देवकरण जी क्या कर रहे हैं कि श्री प्राणनाथ जी उनके महल में आए हैं और उनकी अगवानी कर रहे हैं, उनके चरण धो रहे हैं, उनको चंदन बंदन कर रहे हैं और एक स्वप्न में एक पद गा करके सुना रहे हैं, एक पद गा करके सुना रहे। ऐसा स्वप्न में देखा, किसने देखा, देवकरण जी ने देखा। और जो स्वप्न में जो पद उन्होंने गुनगुनाया गाया, उठते हैं तो पद उनको याद आ गया, रह गया, जो स्वप्न में गाया जागते तो पद उनको याद है। तो वो पद मैं आप सभी को यहां सुनाता हूं, ये राग तो मैंने खुद ही भरा है तो राग जरा बैराग जैसा हो गया है, क्योंकि मेरे को राग रागी नहीं कुछ ऐसे सब का ज्ञान नहीं है, है ना। मैं कभी कभी सोचता हूं इस दुनिया में हे परमात्मा मैं तो सबसे अज्ञानी हूं, सभी लोग ज्ञानी हैं, मैं अज्ञानी हूं, आप मुझे ज्ञान के मार्ग में ही ले जाना, ऐसा परमात्मा से निरंतर मैं प्रार्थना करता हूं।
क्योंकि अपने आप को शास्त्र कहता कि सदा अज्ञानी ही मानो, अपने आप को ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। ज्ञानी मानेंगे तो ज्ञान का अहंकार मेरे को परेशान करेगा। मेरे गुरु महाराज मंगलदास जी बोलते थे, ज्ञान होने का अहंकार भी अगर आएगा तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली है, धन होने का अहंकार भी आएगा तो भी तुम्हें भटक जाएगा, तुम भटक जाओगे, भटका सकता है। सुंदरता का अभिमान भी आ जाए तो भी तुम भटक जाओगे, कैसे कैसे सुंदर बने। आपने एक सुंदर व्यक्ति का नाम सुना है, भारत में एक सुंदर व्यक्ति हुआ करता था। किसी समय जब वो अपने वस्त्र पहन करके काला कोट डाल करके गली में निकलता था तो मैंने सुना है लड़कियां ऊपर छत से छलांग लगाती थी। क्या है उसका नाम? देवानंद। अरे देखो सबको याद है, देवचंद्र जी का नाम याद हो ना हो, देवानंद का नाम जरूर सबको याद है ना। देवानंद इतना सुंदर था, बाद में जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके चेहरे में 36 झुर्रियां पड़ गई। अब तो कोई छलांग लगाता नहीं। ये सुंदरता कब तक है? जब तक शरीर में रोग न लगे, बुढ़ापा न आए। आया बुढ़ापा रोग भोगता, टूटी खटोली सो बंदे, है ना। बुढ़ापा आने के बाद मंजे हुए में सोज, मंजे में पड़े पड़े सो जाते हैं, घर 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 करता है, छाती बोलता है, बोलने की कोशिश करते तो आवाज नहीं आती है। बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता है, इसलिए भजन करना चाहिए। जवानी में सही उम्र में ही भजन करना चाहिए। बुढ़ापे में न शेरपुर जाए जाएगा, न करनाल जाए जाएगा, न नौतनपुरी, न सूरत, न पन्ना जी, न हरिद्वार, न ऋषिकेश। इसलिए जवानी में ही तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए, सारी जगह की यात्रा कर लो। हमारे यहाँ के सुंदर साथ तो बहुत अच्छे हैं, एक बार पन्ना जी चले जाते हैं कहते हैं हम तो गए थे तो पन्ना जी, और हमारे पुराने सुंदर साथ साल में 3 बार पन्ना जी जाते हैं, साल में एक ही साल में 3-3 बार चले जाते हैं, और हमारे यहाँ के सुंदर साथ एक बार जाकर के अघा जाते हैं। एक बार गए थे ना हम पन्ना जी, वही है ना। नहीं नहीं एक दूसरा पन्ना बनाएंगे, वहां आप चले जाना, वो देखा हुआ है पहले वाला पन्ना, है ना। तो पन्ना एक ही तो है जहां प्राणनाथ जी विराजमान है, साल में कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए, जा सको तो 2 बार जाना चाहिए, जा सको तो 3 बार जाना चाहिए। मैं तो 2-2.5 साल रहा हूं पन्ना जी में, श्री प्राणनाथ जी की कृपा बरदहस्त आशीर्वाद मिला है, वाणी सीखिए वहीं रह करके, श्री प्राणनाथ जी की पावन भूमि में रह करके वाणी सीखी है। बड़ा आनंद आता था उस समय वहां, जिस समय आपके बच्चे जमीन बेच करके मोटरसाइकिल देने का टाइम होता है ना 18-19 साल का, उस समय मैं पन्ना जी में एक समय भोजन करके बैठा हुआ था। मैं भी बिगड़ने के लिए गया था वहां, है ना, मैं तो बिगड़ा नहीं सुधर करके आ गया। तो देखो साधु जो होते हैं ना, शुरू से ही संतों के लाइन अपने अलग सी अलग हो ही जाती है, संतों की अलग लाइन हो जाती है, संतों का लाइन ही बड़ा विचित्र होता है। प्रारंभ से दुख तकलीफ मिलता है तो ये संतों का लाइन है, और सुख से जीवन यापन करने वाले नशे में, परेशानी में, है न, ठगी ठोरी में उलझ जाते हैं बच्चे, बिगड़ जाते हैं, ये बड़ा गलत मार्ग है। इसलिए बच्चों को सदा कंट्रोल में रखना चाहिए, शुरू बचपन से ही बच्चों को मंदिर लाने की आदत डालनी चाहिए। मंदिर आए, मत्था टेके, परिक्रमा करें, बच्चों को साथ लेके आओ, परिक्रमा कराओ बच्चों को, उसको प्रसाद के बगैर भोजन नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें बच्चों को शुरू से सिखाओ। बच्चों को प्रसाद हाथ में देना, उसके बाद कहना प्रसाद लेकर के ही तुम्हें नाश्ता करना है, ऐसी शिक्षा बच्चों को देना चाहिए। देखिए हमारी तरफ जो, जहां मैं आया हूं सिलीगुड़ी बंगाल साइड से, हमारे उधर के सुंदर साथ इतने पक्के हैं, गले की कंठी अगर टूट जाए तो थूक भी तब निगलते हैं जब दोबारा कंठी गले में डालते हैं। देखिए क्योंकि थूक भी हमें नहीं निगलना चाहिए क्योंकि गले में कंठी नहीं है, ऐसा बोलते हैं, है ना। और हमारी इधर भी क्या बोलते हैं,
گلے میں کنٹھی پہنے سے مجھے الرجی ہوتی ہے بولتے ہیں. یہاں کنٹھی پہنے سے الرجی ہو جاتی ہے لوگوں کو. ہمارے یہاں کنٹھی اگر نہیں پہنتے ہیں تو پانی بھی نہیں پیتے ہیں, کیونکہ گلے میں کنٹھی نہیں ہے تو پانی نہیں پینا چاہیے. تلسی کی مالا گلے میں نہیں ہے تو پانی کیسے پئیں, چرنامرت پرساد لیے بغیر ہم بھوجن کیسے کریں. یہ سنسکار بچپن سے ڈالا کرو بچوں کے پرتی, یہ بھاونا بچوں میں ڈالنا چاہیے پرارمبھ سے ہی, تبھی جا کر کے بچے بڑے ہو کر کے سمجھدار بنتے ہیں. نہیں تو بچے کیا بنیں گے, ماں کو لے کر کے گیٹ میں آئیں گے, گیٹ میں ماں کو چھوڑ کر کے موٹر سائیکل واپس لے کے چلے جائیں گے. نہیں, اندر تو نہیں جاؤں گا, گرو جی چمڑ جائیں گے میرے کو, پھر گرو جی نکلیں گے ہی نہیں, ایسے چپک جائیں گے گرو جی, بھاگ اندر کے مارے گیٹ سے ہی بھاگ جاتے ہیں. بتاؤ ایسے بچے ہونے سے تو نہ ہونا بھلا, نہ ہونا بھلا ہے نا. مندر آئیں اور متھائی نہ ٹیکیں, مندر کے گیٹ میں آئیں اور وہاں سے بیرنگ لوٹ جائیں, پربھو کے در پہ آ کر کے بھی خالی ہاتھ لوٹنا, یہ تو کسی جنم کا پاپ کا ہی پھل ہے, پنیہ کا پھل, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پربھو کے در میں آ کر کے متھا ٹیکے وغیرہ چلے جانا, اس سے بڑا غلط, اس سے بڑی غلطی اور کیا ہو سکتی ہے. دیکھ لو, پربھو کے در پہ آئیں, پرنام کریں, باہر باہر سے ہی صحیح پریکرما کریں, ہے نا, اس کے بعد جائیں. کئی بار بچے بولتے ہیں نہایا نہیں ہے نا, اس لیے مندر نہیں جا رہے ہیں. مندر کے اندر مت گھسو نا, باہر تو آ ہی سکتے ہیں نا, باہر تو سب جگہ گھوم سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو, اندر نہ گھسو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہر بچوں کو سکھاؤ پرات کال سب کارے سے نمرت ہو کر کے مندر جا کے متھا ٹیک کے پھر تمہیں ناشتہ ملے گا. یہ شکشا بچوں کو دینا چاہیے. میں یہ ساری باتیں کیوں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو, پتا ہے کیوں بول رہا ہوں, میری بدھی خراب ہو گئی اس لیے بول رہا ہوں. بولو شری کرشن کنہیا لال کی, کیونکہ یہ بولنا نہ بولنا برابر ہے نا, اس سے جب میری بدھی خراب ہوتی ہے تو میں ایسے گیان کی باتیں سناتا ہوں, ہے نا. جب میری بدھی صحیح ہوتی ہے تو میں یہ سب سناتا ہی نہیں ہوں. رادھے رادھے بولو, سہارا ملے گا, کرشن کرشن بولو کنارا. یہ سپن کے سمے کرن کمری کو کیرتن یاد آیا, اور صبح کے سمے انہوں نے وہ کیرتن گایا. کیا کیرتن گایا, کون گا رہے ہیں یہ کیرتن, کون گا رہے ہیں, دیو کرن جی, کرن کمری کا کیرتن وہ گاتے ہیں. اہو میری سجنی دھام دھنی میرے آئے, اہو میری سجنی دھام دھنی میرے آئے, اہو دھام دھنی میرے بھوتی اچیت چیت بھائی چھین اچیت چیت بھائی چھن میں ہوتی اچیت ہوتی اچیت چیت بھائی چھن میں ہوتی اچیت گور نیند میں انی جگائے, گور نیند میں انی جگائے, سجنی دام دھنی گل آئے, دام دھنی میرے آئے.
मन पर पीत बढ़ी मेरे उर मन पर पीत बढ़ी मेरे उर बिरहावाण लगाए बिरहावाण लगाए मन पर पीत बढ़ी कयो न जाय असल सुख सजनी कयो न असल सुख सजनी कयो न जाय असल सुख सजनी कयो न करन कुंवरी मन भाए करन कुंवरी मन भाए अहो मेरी सजनी दाम धनी मेरे यार अहो मेरी सजनी दाम धनी मेरे हति चेत चेत भरी चिन्ह में होती अच चेत भरी चिन्ह में गोर नींद में आन जगाए गोर नींद में आन जगाए ओहो मेरी सजनी दामनी मेरे आए मेरी सजनी दामनी मेरे आए सजनी दामनी मेरे आए दामधनी गाई कीर्तन राज रिझावे आदर करो देव जो भारी सात सकल की सेवा केनी कलिजु कीर्ति उरते तारी। ये पद गा करके प्रज्ञा जी को सुनाया का गुरु महाराज ये पद मैंने स्वप्न में गाया था लेकिन मेरे को याद रह गया और मैं आपको सुना रहा हूं। और जो स्वप्न में मैंने जो पद गाया वो कर्ण कुमारी के नाम से मेरे मुंह से पैदा हो गया प्रकट हो गया वो पद चौपाइया और मैंने गाया मेरे को याद रहा तो मैंने आपको सुना दिया। देखो कितने अच्छे स्वप्न हैं। स्वप्न में पद याद आ जाए परमात्मा की बड़ी मेहर है बड़ी कृपा है। जब कभी कभी मैं समस्या में उलझ जाता हूं ना अभी समस्या में उलझ जाता हूं अब क्या करें कैसे करें तो उस समय स्वप्न में मुझे किसी न किसी रूप में मेरे गुरु महाराज मंगलदास जी का दर्शन होता है और उसको सुलझा देते हैं और आसानी से काम बन जाता है।
ये हमारी श्रद्धा विश्वास ये सब काम करवा देता है। इतनी अटूट निष्ठा हो जाए अपने गुरु महाराज के प्रति कि स्वप्न में दर्शन दे करके आपके कार्य सिद्ध कर दे रहे, बस उससे बड़ी बात और क्या होगी। और सबसे बड़ी बात है स्वप्न में दर्शन हो जाए गुरु महाराज के। आज गुरु महाराज मंगलदास जी को धाम गए 40 साल हो गया है, कल की बात जैसी लगती है, देखो कल की बात जैसी, क्योंकि हम तो उनके साथ रहे तो कल की बात जैसी लगती है। 40 साल होने के बाद भी उनकी छवि हमारे चेहरे में घूमती, हमारी आंखों में घूमती है, कैसे थे क्या थे, एक एक बात कल की बात जैसी अनुभूति होती है। कहने का मतलब है गुरु महाराज के साथ अगर अटूट संबंध हो जाए, चिंतन हो जाए, दुख सुख में उनको याद करें तो हमारे कार्य सपने में दर्शन दे करके हमें मार्गदर्शन दे ही देते हैं। सदगुरु महाराज की। अब यहां से श्री प्राणनाथ जी को कीर्तन गा करके सुनाया। अब चल पड़े वहां से श्री प्राणनाथ जी बिलहरी नाम करके गांव में पहुंच गए। बिलहरी बिलहरी वहां से कुछ दिन रह करके 4 दिन की यात्रा करके पन्ना पहुंच गए। डेरा करो आनी अमराई नदी किनारे अति छवि छाए। अमराई घाट में किलकिला नाम करके नदी के किनारे श्री प्राणनाथ जी ने अपने सब मंडली के साथ डेरा जमा लिया। वहां पे तत्क्षण गौड़ दौड़ के आए ई विधि अरज तहा उनकेनी। यह जल साधु पियो जिन को मरत पिए यह हम कह देनी। गौड़ जाति के लोग वहां दौड़े दौड़े आए और आकर के उन्होंने कहा अरे साधु संतों इतना बड़ा जमात आप लोगों का है, बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 बहुत है, अब गिनती नहीं होती उनसे, 500 600 700 का जमात है। गिनती करने की कोशिश की किसी ने जो हेड बनता था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत है आप लोग तो, गिनती नहीं होती है, कितने की गिनती करें। अब आप लोग यहां पानी पियोगे तो ये जहरीला पानी है, अत्यंत जहर भरा हुआ इस पानी में, अगर एक घूंट आप पिएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, इस पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला। अब प्राणनाथ जी बोलने लगे सुंदर साथ जी अब क्या करें, नदी के बगैर अपने को गुजारा नहीं है, आसपास में जल का तालाब चाहिए, नदी चाहिए, इतने बड़े जमात को लेकर के हम चले हैं, स्नान करना है, भोजन बनाना है, बहुत सारा कार्य करना है, तो पानी के बगैर कैसे गुजारा चले, अपने को पानी तो चाहिए। डेरा पार्षद गौड़ सब बैठे सात सहित श्री राज सुहाए। हिल मिल झील न करत नदी में कलम सकल विष सकल बहाए। सब सुंदर साथ ने मिलकर के श्री प्राणनाथ जी को एक पत्थर के ऊपर आसन बना के विराजमान करवा दिया। सुंदर साथ की इतनी श्रद्धा इतना विश्वास है, सुंदर साथ ने एक नीचे बर्तन रखा और जल निकाल के लाया। गौड़ जाति के लोग मना करते हैं हाथ मत लगाओ पानी में, जहर है, तुमने तो घड़े में पानी उठा के लाया, मर जाओगे, पियो मत, चिल्ला रहे हैं। सुंदर साथ पानी लेके आ गए, श्री जी के चरण को धोया, धोकर के सारा का सारा पानी कुंड में गिर दिया, नदी में गिर दिया। नदी में गिरने के बाद सबसे पहले सुंदर साथ ने आचमन किया और नहाना शुरू किया। सारे गौड़ जाति के लोग अचंभित हो गए, कहने लगे हमने सुना था कि श्री कृष्ण ने कालीय कुंड में अपने को प्रवेश करा करके उसको शुद्ध कर दिया था, अपने को अपने चरण को डाल करके, वैसे ही ये जो भगवान महापुरुष आए हैं संत, ये भी भगवान कृष्ण की तरह इस कुंड को पवित्र कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। और बड़े प्रसन्न हो गए, नदी किल किला के जल पिस जल पे अमृत कर सम दिखलाया, उसको सब अमृत जैसा बना दिया, पीने लायक बना दिया श्री प्राणनाथ जी ने, क्योंकि प्राणनाथ जी पर सुंदर साध भरोसा करते हैं, प्राणनाथ जी राज्य से प्रार्थना करते हैं तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
और ये समाचार किसको मिला? छत्रसाल जी को मिला। जो महात्मा जी आए हैं उनके अंगूठे के स्पर्श से जो जहरमय कुंड था पानी का वो शुद्ध हो गया। छत्रसाल जी को ये समाचार मिला। छत्रसाल जी ने वहां से समाचार भेजा, गुरु महाराज को कह देना मेरी ओर से कि वो कुछ लोगों को लेकर के आए जो पुरुष हों, माताएं बहनें किसी को लेके नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे अफगान ने चढ़ाई कर रखी है, युद्ध का मैदान बना हुआ है मऊ। इस समय युद्ध के मैदान में पुरुष होंगे तो जैसे तैसे भाग करके जान बचाएंगे, लेकिन माताएं महिलाएं आएंगी उनको बचाना मुझे मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कोई माताएं बहनें न लाएं साथ में, मात्र छड़े पुरुष ही पुरुष आए। छत्रसाल जी ने ऐसा संदेश भिजवाया तो श्री प्राणनाथ जी ने सब माता बहनों को पन्ना के अमराई घाट में डेरा डंडा जो वहां पे लगाया, टेंट वगैरह पानी की व्यवस्था हो गई, आप लोग सब यहीं रहो, मैं कुछ दिन में लौट के वापस इधर आऊंगा छत्रसाल जी से मिलके। और प्राणनाथ जी वहां से चल करके कहां पहुंच गए? मऊ में पहुंच गए। मऊ में एक तिदुनी दरवाजा, तिदुनी नाम करके गांव में जाने का जो मार्ग है वहीं पे पहुंच गए। वहां जाकर के श्री प्राणनाथ जी ने दो चार जो सुंदर साथ हैं उनके पास बैठ करके बातचीत करने लगे। तो संध्या के समय, शाम के समय छत्रसाल महाराज आए, आकर के देखा कि यहाँ गुरु महाराज बैठे हैं, चुपचाप से बिना बताए गुरु महाराज की परिक्रमा करके वापस चले गए, मिले नहीं। दूर से देखा, दूर से परिक्रमा करके वापस निकल गए। अब दूसरे दिन सायंकाल के समय, संध्या को दूजे दिवस करी शिकार को साज, साथ मंडली के विषय बैठे हैं श्री राज, दर्शन कीन्हे आई के बैठी बिछौननी दूर, श्री मुकते कही बार त्रय लई बुलाए हजूर। महाराजा छत्रसाल के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, महाराजा छत्रसाल के। आइए एक भजन के द्वारा आनंद आप हम सब लेंगे। आप लोग नारियल को ठक ठक करते रहो, अपने हिसाब से काम पूरा करते रहो, ठीक है ना। एक भजन जी।
सारे काम प्रगटाए हो, सारे काम प्रगटाए हो, आए हो पर नादी विराज, चौथी बेर पन्ना जी में आए चौथी पन्ना जी में हे जागरी रास खिलाए हो, जी में पहुंच गए श्री प्राणनाथ जी। अब वहां से यात्रा पूरी हो गई, अब कहीं आगे की यात्रा श्री प्राणनाथ जी नहीं करेंगे, एक बार बीजावर जाएंगे और एक बार चित्रकूट जाएंगे प्राणनाथ जी, अब यात्रा स्थगित हो जाएगी वहीं पे। लगभग 5000 की जमात बन चुकी है अब तक, 500 से 5000 के आसपास आसपास सभी को मिला करके, वैसे तो मुख्य 500 ही हैं, तो इतनी बड़ी जमात वहां पहुंची हुई है। अब दूसरे दिन श्री प्राणनाथ जी के पास छत्रसाल महाराज गए और छत्रसाल महाराज ने कहा, हे गुरु महाराज, प्राणनाथ जी ने पहले कहा उनको, अब तो भरे पड़े तुम फंद में, कहां जाओगे भागे। पकड़ लिया, पकड़ करके प्राणनाथ जी ने रक्षा बंधन बांध दिया। ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तम प्रति बदनाती रक्षे माचल माचल, अब कहां जाओगे। तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो 12 साल से किसी महापुरुष का इंतजार कर रहा हूं, उन्हीं से ही मैं पकड़ में आने वाला हूं, मैं किसी के पकड़ में नहीं आने वाला। तो छत्रसाल जी ने कहा, क्या है। अरे मैं दिन स्वप्न में एक महापुरुष का मैंने दर्शन किया, उन्होंने मुझे एक सिक्का दिया प्रातः काल पता चला और कहा इसी सिक्के के आधार पे तुम मुझे ढूंढ लेना बाद में, और वह सिक्का मेरे पास आज भी है। सिक्का निकाल के दिखाया, प्राणनाथ जी ने जिस आसन पे बैठे थे उस आसन को उठा करके कहा, हे छत्रसाल, ये मेरे आसन के नीचे जितने सिक्के हैं इन सिक्कों के साथ अपने सिक्के को मिला करके देखो, अगर कोई अंतर हुआ तो मेरे को बताना। तो प्राणनाथ जी के पास तो वैसे हजारों सिक्के पड़े थे, छत्रसाल महाराज देखते रह गए, अंदर जाकर के कहा, परमात्मा आ गए हैं, जिनको मिलने की चाहे मिल लो। मझली रानी ने सोचा, अगर मेरे पति कह रहे हैं तो परमात्मा है। मझली रानी सब मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए। बल दीवान जी अपनी सेना मंडली के साथ मिलने के लिए आए और कहा, हे गुरु महाराज, अफगन ने चढ़ाई कर रखी है, हम युद्ध करने जाएंगे और हमें असुरों के साथ युद्ध करना है। यहाँ पे चौपाई में लिखा है, श्री जी ढिग तब आन के मागी शीस अमान, जीती असुर ढिग साथ में कदम निलागो आन। ये दानवों का संहार करके मेरे पास बहुत थोड़ी सी सेना है 1000, अफगन के पास 5000 सेना है, 5000 सेना के साथ मेरी 1000 सेना कैसे युद्ध करेगी। उसी समय श्री प्राणनाथ जी ने तलवार दिया, ये तलवार ले लो छत्रसाल, अन्यायी अत्याचारी के विरुद्ध ये तलवार एकदम चमकदार होकर के उसका सर धड़ से अलग कर देगा, और मेरी ओर से आशीर्वाद का रुमाल ले लो। एक अद्भुत आशीर्वाद प्राणनाथ जी ने दिया, तलवार लेकर के युद्ध में गए।
युद्ध में जाने के बाद तलवार की इतनी चमक थी, उसी चमक में सबकी आंखें एकदम चौंकने लग गई, परेशान हो गए, सब आपस में दुश्मन मान करके खुद ही लड़ करके मर गए। छत्रसाल जी की सेना को किसी को खरोंच तक नहीं आया। वापस आए जब छत्रसाल महाराज, तो कनात लगा करके भोजन की व्यवस्था की तैयारी हो रही थी, या यूं कहें वहां पे परम धाम की चर्चनी का नक्शा दिखाने का काम हो रहा था। छत्रसाल जी आकर के वहीं बैठ गए, परम धाम का नक्शा दिखने लगे, और देखते हुए उन्होंने कहा, गुरु महाराज ये क्या है, ये बताइए, हमारा परम धाम का नक्शा है, ये हमारा रंग महल है, ये हमारा 25 पक्ष है, और ये हमारे 7 घाट हैं, हम यहीं की आत्मा है, संसार में भटक गए हैं, परम धाम में मैं इंद्रावती के रूप में हूं, आप शाकुंडल के रूप में हो, सारी बातें बताई। छत्रसाल जी ने सारी तलवारें गुरु महाराज के आगे रख करके कहा, गुरु महाराज अगर ये सब है, हमारी आत्मा परम धाम से आई है, तो किसके लिए लड़ाई करना, किसके लिए झगड़ा करना, आज अभी इसी समय मैं युद्ध करना छोड़ करके बैरागी बन जाऊंगा। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, नहीं छत्रसाल, अभी तुम्हें बहुत युद्ध करना है, बहुत सारा काम करना है, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, एक से भले दो मैं आपके साथ हूं, अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। आयो उत्तम मास मधु, 40 के वर्ष मऊ गामते कूच करी, पर ना आए हर्ष, रहे दीवान मऊ विषे, अपनी सेना सहित ब्रजभूषण छत्रसाल और बड़ी सिंधु समप्रीत। छत्रसाल महाराज के अंदर सागर की तरह प्रेम की लहरें उमड़ने लगी। अब कुछ दिन के बाद बैसाख का उत्तम महीना आया, प्राणनाथ जी को लेकर के छत्रसाल महाराज मऊ से कूच करके पन्ना आए। अब पन्ना आने के बाद छत्रसाल महाराज आगे प्राणनाथ जी को कहां लेके जाएंगे, कहां पधरावनी करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें कल की बीतक चर्चा में आप सभी को सुनाई जाएगी। अभी के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल छत्रसाल महाराज एक आंसू कवि है, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे बोल करके कैसे गुरु महाराज की आरती उतारेंगे, सब कुछ अर्पण करेंगे, फिर गुरु महाराज कैसे सब कुछ छत्रसाल महाराज को दे करके महाराजा की पदवी से विभूषित करेंगे, ये सारा प्रसंग कल आप सभी बड़े आनंद के साथ श्रवण करेंगे। अभी के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, एक लगभग एक महीने से बीतक चर्चा का आनंद आप हम सब ले रहे हैं, ये सब परमात्मा की कृपा है। आइए चौपाई दोहराएं और आज के प्रसंग को यहीं पर विराम दें। बड़ी भाव और श्रद्धा के साथ चौपाई दोहराएं। रहे दीवान मऊ विषे, अपनी सेना सहित ब्रजभूषण छत्रसाल उर, बड़ी सिंधु समप्रीत, बड़ी सिंधु समप्रीत, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री सदगुरु महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, सर्व सुंदर साथ की, प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी,
जी बड़ा तो जी वे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी तुम बिना मैं किन सकूं तुम हो मेरी आस जी आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी सब विध पिया जी समरथ बिना रहन जात रोए रोए जी जन्म अंधे जो हम होते सो तुम देखते किए जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी यदि पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुन हीन जी खेती अर्ज मैं तो करूं पिया आड़ी भई अंत राय जी सो आड़ी अंतराय टाल के दला जियो कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सा पिया कीजिए हास भी लास जी वारण जाए सिरेन्द्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हिन और न जानो बात जी इसक सा सेवा करूं पिया सब अंगोशा शात जी सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूं इन बात जी श्री मामती जुगल स्वरूप पर बलि अंगना बलि बलि जात जी सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूं इन बात जी श्री महामती जगल स्वरूप पर बलि अंगना बलि बलि जात जी प्रिया तुम तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी प्रिया तुम तैसी प्रिया तुम तैसी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय सतगुरु महाराज की जय